ब्रॉट टू यू बाय सेंसोडेंट के। अभी लेके आए सेंसोडेंट के, टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। मनोज बाजपेयी की 100वीं फिल्म का टीजर आया है, फिल्म का नाम है भैया जी। इससे मनोज बाजपेयी का जो फर्स्ट लुक आया है उससे जनता इम्प्रेस लग रही है। ये फिल्म क्या है, किस बारे में है, कुछ नहीं पता, मगर टीजर ने फिल्म के लिए एक माहौल सेट कर दिया है। पब्लिक बोल रही है कि ये फिल्म मनोज बाजपेयी के करियर की जबान या KGF साबित हो सकती है। भैया जी का जो टीजर आया है उसमें सिर्फ ये पता चलता है कि फिल्म की कहानी 2014 में घटती है, बिहार के सीतामढ़ी से प्रेरित सीता मंडी नाम में। यहाँ एक प्रचंड पर्सनालिटी पैदा हुई जिन्हें लोग प्यार और डर से भैया जी बुलाते हैं। सीन यह है कि भैया जी पिटाई खाकर बेसुध जमीन पर पड़े हैं, गांव के लोग और कुछ गुंडे उन्हें घेर कर खड़े हैं। खेला खत्म करने की तैयारी है मगर मार्केट में भैया जी का इतना खौफ है कि बेहोशी की हालत में भी लोग उन्हें हाथ लगाने से थर्रा रहे हैं। फिर एकदम राइजिंग फ्रॉम द एशेज स्टाइल में भैया जी उठते हैं और बीड़ी सुलगाते हैं और फावड़ा लेकर दौड़ पड़ते हैं। उनके पीछे जो उन्हें मारने आए थे वो दौड़ते हैं। नेपथ्य से आवाज आती है, निवेदन नहीं नरसंहार होगा। भैया जी का टीजर 2.25 मिनट लंबा है, वो इसलिए क्योंकि ये पूरा टीजर सीन स्लो मोशन में घटता है। इस टीजर को देखकर लोग इस फिल्म का इंतजार करने लगे हैं। कोई कह रहा है कि मेकर्स ने मनोज बाजपेयी को लेकर जवान टाइप पिक्चर बना दी है, क्योंकि शाहरुख खान की ही तरह मनोज भी स्मोक करते हुए फावड़े से लोगों की कुटाई कर रहे हैं। प्लस जवान की ही तरह भैया जी भी एक रिवेंज ड्रामा है। लंबे समय बाद मनोज बाजपेयी किसी मसाला पिक्चर में नजर आ रहे हैं। लीड रोल में तो संभवतः यह पहला ही मौका है जब वो भैया जी जैसे फिल्म में काम कर रहे हैं। टीजर ने उम्मीदें बढ़ा दी हैं क्योंकि पब्लिक यही सब देखना चाहती है। जिस आदमी ने पिछले दिनों जोरम, गुलमोहर, भोंसले, गली गुलियां और सिर्फ एक बंदा काफी है जैसी फिल्में की, अब उसे भी भैया जी मार्का सिनेमा की दरकार हो गई। सिर्फ एक बंदा काफी है से याद आया, भैया जी को भी उसी बंदे ने बनाया है जिन्होंने एक बंदा काफी है बनाई थी। एक बंदे की बात करने में बहुत सारे बंदों का इस्तेमाल करने के लिए बंदा माफी चाहेगा। खैर, इस फिल्म को भी अपूर्व सिंह कार्की ने डायरेक्ट किया है, इसलिए फिल्म से उम्मीदें रहेंगी उनकी भी जो कंटेंट ड्रिवन सिनेमा देखना चाहते हैं और उनकी भी जो मेन स्ट्रीम में कुछ ढंग का सिनेमा देखना चाहते हैं। भैया जी में मनोज बाजपेयी के साथ सुविंदर विकी, जतिन गोस्वामी, विपिन शर्मा और जोया हुसैन जैसे एक्टर्स नजर आने वाले हैं। ये फिल्म 24 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। आपको कैसा लगा ये टीजर कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये जानकारी आपके लिए जुटाई थी मेरे साथी श्वेतांक ने। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया। शुरू हो गया है यूट्यूब पर ललन टॉप का नया मेंबरशिप प्रोग्राम LT प्रीमियम। क्या होगा इसमें? LT प्रीमियम मेंबर्स किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देख सकते हैं गेस्ट इन द न्यूज रूम और किताब वाला जैसे कई शोज। ललन टॉप के हम सब एंकर्स हर हफ्ते आपसे करेंगे लाइव चैट, देंगे आपके सवालों के जवाब। ललन टॉप के न्यूज रूम में क्या होता है, अर्ली एक्सेस ब्लॉग में दिखेगी न्यूज रूम की रोचक जानकारी और उठापटक। ये मेंबरशिप लेने के बाद सिने सन्यासी समेत कई नए नवेले पॉडकास्ट भी आप सबसे पहले सुन पाएंगे। जो हमारे नए शोज प्रस्तावित हैं उस पर भी आपकी राय ली जाएगी, खास तौर पर क्योंकि आप हैं हमारे प्रीमियम व्यूअर। इसके अलावा मजेदार स्टिकर्स के साथ चैट कमेंट करके आप नजर आएंगे सबसे अलग। इन स्टिकर्स का इस्तेमाल आप YouTube के चैट और कमेंट सेक्शन में कर पाएंगे। इस मजे के लिए क्या करना होगा, इस जुड़ाव के लिए क्या करना होगा, जाना होगा ललन टॉप के YouTube चैनल पर और ज्वाइन बटन को प्रेस करना होगा। फिर सिर्फ 59 रुपए महीने में मिलेगा ललन टॉप आनंद। एप्पल यूजर नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर LT प्रीमियम सब्सक्राइब करें।